अगर वाकई आपने YouTube वीडियो से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे? मान लीजिए कोई आदमी है या कोई पेशेंट है जो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो पेशेंट आपसे कह रहा है मुझे उठाओ, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे उठाओ की इंग्लिश क्या होगी? या अगर वो आदमी कहे मुझे बैठाओ, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे बैठाओ की इंग्लिश क्या होगी? अगर वो आदमी कहे मुझे चलाओ, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे चलाओ की इंग्लिश क्या होगी? आइए मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड्स और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये काजेटू सेंटेंसेस है और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम मेक या गेट या हैव या काज का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, जबकि मैं आपको कहूंगा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस जहां सब्जेक्ट कोई काम करता है लेकिन उस काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाता है और आपकी मदद चाहता है, जैसा कि मैंने यहां पर जो भी सेंटेंसेस बोला, यहां पर सब्जेक्ट काम कर रहा है लेकिन इस काम को वह ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, यानी वो बीमार है और वो खड़ा होना चाहता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, या कोई आदमी टहलना चाहता है लेकिन अकेला वो नहीं टहल सकता क्योंकि वह बीमार है या वो कमजोर है। तो इस सूरत में अगर वो कहे मुझे टहला दो, मुझे उठा दो, मुझे बिठा दो, मुझे लिखवा दो, मुझे नहला दो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे हेल्प मी टू स्टैंड अप, यानी मुझे खड़ा करा दो या मुझे उठा दो। अगर आपको कहना हो मुझे बिठा दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेल्प मी टू सिट, यानी मुझे बिठा दो। अगर आपको कहना हो मुझे टहला दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेल्प मी टू वॉक, यानी मुझे टहला दो। अगर आपको कहना हो मुझे लिखवा दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेल्प मी टू राइट, यानी मुझे लिखवा दो। मुझे नहला दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हेल्प मी टू बाथ, यानी मुझे नहला दो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को शानदार तरीके से समझे कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ सब्जेक्ट कोई काम करता है लेकिन उस काम को वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता है और वो दूसरों से मदद चाहता है, यानी दूसरों से कहता है कि इस काम में मेरी मदद कर दो या इस काम को करवा दो, को बोलने के लिए आप कहेंगे हैव टू प्लस वर्ब, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कल सुबह 7 बजे मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जो अब तक YouTube पर नहीं है। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक मजेदार लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।